रोहित मोबाइल, बड़ा बाजार, मोबाइल एक्सचेंज मेला, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रेडमी, एमआई, नोकिया, सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला 0% ब्याज पर। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाइन ट्रेड में FDI के दुरुपयोग के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। 8 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में सरकार का ध्यान अपनी ओर दिलाने AIMRA प्रदर्शन करेगी, जिसमें 40,000 रिटेलर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। वहीं MP से इसमें 2500 रिटेलर और सागर से करीब 250 रिटेलर शामिल होंगे। 7 जनवरी की शाम सागर मोबाइल एसोसिएशन के रिटेलर दिल्ली प्रदर्शन में शामिल होने ट्रेन से रवाना हुए हैं। इसको लेकर एसोसिएशन के सदस्यों का क्या कहना है? ढाई सौ रिटेलर्स पूरे जिले से दिल्ली रामलीला मैदान जा रहे हैं। कल मोबाइल एसोसिएशन के एमरा एसोसिएशन के माध्यम से लगभग 40,000 लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने डायरेक्ट सरकार से बात करने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों की ये सरकार से मांग है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट बंद होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे 7 करोड़ व्यापारियों को और उनसे जुड़े लगभग 40 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रहा है। खुदरा व्यापारी ऐसा है जो इस महामंदी में रोजगार देता है लोगों को। अगर ये कंपनियां अपने ऐसे ही पैर पसारती रहीं तो इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे और देश महामारी के उसमें चला जाएगा। और हम लोग फ्लिपकार्ट और अमेजान की नीतियों को बंद करने के लिए FDI का दुरुपयोग कर रही हैं ये कंपनियां, और प्रेस नोट 2 का पालन कराने के लिए हम लोग सरकार से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। ये कंपनियां अनैतिक डिस्काउंट देती हैं, समय समय पे त्योहारों पे 50% 60% का डिस्काउंट देके ग्राहकों को भ्रमित करती हैं और पुराने प्रोडक्ट और डुप्लीकेट प्रोडक्ट देके हमारा धंधा खराब कर रहे हैं ये लोग। हम लोग 40,000 रिटेलर दिल्ली के लिए जा रहे हैं रामलीला मैदान के लिए। हम लोगों का व्यापार ठप हो चुका है अमेजॉन फ्लिपकार्ट के विरोध में। हम लोगों की मांग है सेम टाइम सेम प्रोडक्टों की मांग है। ऑनलाइन का कैशबैक जो होना चाहिए बंद होना चाहिए, जिससे कि हम लोगों का व्यापार चल सके। व्यापार बहुत जम से प्रभावित है आज के समय में, इसलिए हम लोगों का आज के समय में अनशन है। आज लोग हम लोग जा रहे हैं 40,000 रिटेलर रामलीला मैदान में। अभी आप लोग कितने प्रभावित, कब से ये प्रभावित है और आगे कब तक? 2013 से ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट आई है, जब से व्यापार ठप है। और अभी और इन लोगों का व्यापार इतना जम से ठप होगा जब से इन लोगों ने कैशबैक का स्टार्ट किया हुआ है। होम डिलीवरी इन लोगों के 1 से 2 दिन में आ रहे हैं। उनके आज के समय में इनका हवाने वाले हैं, एक्सक्लूसिव शोरूम इन लोगों के आने वाले हैं सागर जैसे शहर में भी, जिससे कि हम लोगों का रोजगार बिल्कुल से छिन जाएगा। इसके विरोध में हम लोग जा रहे हैं। जैसे कि अभी रिलायंस का आ चुका है, ऐसे ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट का भी आने वाला है। अभी तक मतलब ऑनलाइन से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम लोगों का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। और कम से कम अपने सागर सिटी में 23 दुकानें ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन के कारण बंद हो चुकी हैं। और हम लोग का तो दुकान का किराया खर्चा, लड़कों का खर्चा भी नहीं निकल रहा भैया। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और हम लोग एक शांति प्रदर्शन है, हम लोग का कोई उग्र रूप से प्रदर्शन नहीं करने जा रहे हैं, बिल्कुल शांति से जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग की अपनी बात रखने की। सागर में कितने प्रभावित हैं आप लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट आने से? हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। और हम लोगों की यही मांग है कि अगर इस बार हम लोगों का अगर व्यापार सही तरीके से नहीं सुधर पाएगा तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि सागर में व्यापार टोटल पूरे तरीके से ठप हो जाएगा। और जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार से यह उम्मीद है कि आगे चल के अगर ऑनलाइन बंद नहीं हुआ तो व्यापार पूरा ही प्रभावित हो जाएगा। इसके बाद अब कोई उम्मीद नहीं है, ये हम लोगों की आखिरी उम्मीद है बस। आधार कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए रोहित मोबाइल, बड़ा बाजार, मोबाइल एक्सचेंज मेला, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रेडमी, MI, नोकिया, सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला 0% ब्याज पर, बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, जियो एक्सचेंज ऑफर, होम डिलीवरी सुविधा, घर बैठे मोबाइल पाएं, मोबाइल कवर, ग्लास, चार्जर, ईयरफोन, मोबाइल रिपेयरिंग उचित रेट पर उपलब्ध है। आपके मोबाइल से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता है आनंद भंडार के बाजू में, बड़ा बाजार, सागर।